नया भारत, और आज इस सेतु के जरिए असम एवं भारत को एक नई सौगात भेंट की गई है। हम अब आग्रह करते हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे अपने शब्दों से हमें कृतार्थ करें। मंच पर उपस्थित असम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, मुख्यमंत्री भाई सर्बानंद जी सोनोवाल जी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खंडू जी, भाई हेमंता बिस्वा शर्मा जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी भाई राजन गोहाई जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आज नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक दिवस है। आप सभी को देश के सबसे लंबे रोड रेल ब्रिज की बहुत बहुत बधाई। मैं अभी इस ब्रिज से होकर ही आपके बीच पहुंचा हूं। मन बहुत प्रफुल्लित है। भूपेन राय कायसी, महाबाहु ब्रह्मपुत्र, महामिलन तीर्थ, यही महाबाहु बुढ़ावेंदर पार्थिय है आदि असमवासी राय जलय मोर आंतरिक श्रद्धा आरु शुभेच्छा ज्ञापन करी छो। आगंतुक इनाजी नव वर्ष भोगाली बिहू उपलक्षे मोर आगतिया आंतरिक शुभेच्छा जनालो। साथियों, आज पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही है। असम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट पूरे देश को क्रिसमस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज इस अवसर पर मैं असमिया समाज के लिए समर्पित स्वार्थो देव सावलों सुकाभा को भी नमन करता हूं। इसके साथ साथ वीरता और बलिदान के प्रतीक लासित बोरफुकन वीर शिलाराय स्वर्गो देव सर्बानंद सिंह वीरांगना होती साधिनी जी बोदोसा वीर राघव मोरान जी मानिक रजा होती जयमोती होती राधिका समेत तमाम नायक नायिकाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आजादी की लड़ाई से लेकर देश और असम के नवनिर्माण के लिए अनेक लोगों ने योगदान दिया। राजनीति से लेकर समाज सेवा, ज्ञान विज्ञान और खेल कूद तक असम को देश को गौरवान्वित करने वाले हर व्यक्तित्व को मेरी कार्यांजलि समर्पित है। मैं असम की स्वर कोकिला पद्मश्री दीपाली बोर ठाकुर जी को भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनके जाने से असमिया सुरों को देश विदेश के असंख्य दिलों तक ले जाने वाली एक आवाज चली गई है। साथियों, आज सुशासन के लिए समर्पित देश के सबसे महान व्यक्तित्वों में एक हम सभी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस भी है। अटल जी के जन्म जयंती को देश आज सुशासन दिवस के तौर पर मना रहा है। भाइयों और बहनों, सुशासन का मतलब
जन सरोकार है, सामान्य मानवी के जीवन को बेहतर बनाने का संस्कार है। अपने पराए तेरा मेरा, इससे ऊपर उठकर जब देश समाज के बेहतर भविष्य के लिए फैसले लिए जाते हैं, जीवन को आसान बनाने वाली व्यवस्थाओं और संसाधनों का निर्माण किया जाता है, तब सुशासन सुराज्य की तरफ बढ़ता है। जब सबका साथ सबका विकास के ध्येय मंत्र के साथ कार्य होता है, देश के संतुलित विकास पर जोर रहता है, तब सुशासन सुराज्य की तरफ बढ़ता है। साथियों, यही प्रयास बीते 4.5 वर्ष से केंद्र और अब आसाम की सरकार हो, अरुणाचल की सरकार हो, ये निरंतर कर रही है। मुझे खुशी है कि आज के पवित्र दिन सुशासन के एक बड़े प्रतीक ऐतिहासिक बोगीबील रेल रोड ब्रिज के लोकार्पण के साक्षी हम सभी बने हैं। ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। एक साथ गाड़ियां और ट्रेन की रफ्तार और भार सहने की इसकी क्षमता देश की सामरिक शक्ति को भी कई गुना सुदृढ़ करने वाली है। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है। ईटानगर से डिब्रूगढ़ की रेल यात्रा अब करीब 700 किलोमीटर घटकर 200 किलोमीटर से भी कम रह गई है। ट्रेन से जिस सफर में पहले लगभग 24 घंटे लग जाते थे, अब वही सफर सिर्फ 5-6 घंटे का रह गया। करीब 5 किलोमीटर के इस पुल से असम के तिनसुकिया और अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन के बीच दूरी ही कम नहीं हुई है, लोगों को अनेक परेशानियों से भी मुक्ति मिली है, उनका जीवन भी आसान हुआ। मुझे बताया गया है कि पहले धेमाजी लखीमपुर और अरुणाचल के अनेक जिलों के लोगों को नाव के माध्यम से ब्रह्मपुत्र को पार करना पड़ता था, या फिर सड़क या रेल के रास्ते करीब करीब पूरे दिन का लंबा सफर करना पड़ता था, कई ट्रेनें बदलनी पड़ती थी। भाइयों और बहनों, आज जिस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, 14 कोच की ये डायरेक्ट ट्रेन इस पूरे क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने जा रही है। जिस सपने को देखते हुए पीढ़ियां गुजर गई, अब वो सपना पूरा हुआ। अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जाने के लिए भी यहां के लोगों को गुवाहाटी से होकर जाने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं हो, पढ़ाई लिखाई हो, रोजगार हो, व्यापार कारोबार हो, डिब्रूगढ़ नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा सेंटर है। यहां आना जाना लाखों लोगों की जरूरत है। विशेष तौर पर गंभीर बीमारी की स्थिति में
दिन भर का सफर कैसे जीवन पर भारी पड़ जाता था ये आप सब भली भांति जानते हैं। साथियों, डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी सुविधाएं अब नॉर्थ बैंक में बसे लोगों के लिए, युवा साथियों के लिए मिनटों की दूरी पर सुनिश्चित हुई है। इस बहुत बड़ी सुविधा के लिए आप सभी को, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, पूरे देश के लोगों को फिर एक बार बहुत बहुत बधाई। इस पुल के निर्माण से जुड़े उन तमाम इंजीनियर और कामगार साथियों को भी मैं सराहना करता हूं जिन्होंने दिन रात एक करके मुश्किल परिस्थितियों में इस पुल के लिए काम किया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। भाइयों और बहनों, असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए ये दोहरी बधाई का दिन है क्योंकि देश का सबसे बड़ा रोड ब्रिज और रेल रोड ब्रिज दोनों असम की धरती पर है। ये मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार का सौभाग्य है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के इन दोनों महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने का अवसर हमें ही मिला। पिछले वर्ष मई में सदिया में भूपेन हजारिका ब्रिज का लोकार्पण करने आया था तो आज बोगीबिल में आप सभी के बीच हूं। भाइयों और बहनों, बीते 4.5 वर्षों में ब्रह्मपुत्र पर बनाए ये तीसरा ब्रिज है। आजादी के 60-70 वर्षों में ब्रह्मपुत्र पर 3 ब्रिज बने, 60-70 साल में 3 ब्रिज और बीते 4.5 वर्ष में भी हमने 3 ब्रिज और बनाए हैं। 5 नए पुलों के निर्माण की प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है। जब ये सारे पुल तैयार हो जाएंगे तो ब्रह्मपुत्र के उत्तर और दक्षिण के किनारों के बीच कनेक्टिविटी तो सुदृढ़ होगी ही, यहां उद्योग और कारोबार का भी नया अध्याय लिखा जाएगा। साथियों, यही तो सुशासन है, यही तो सुराज की तरफ बढ़ते हमारे कदम है। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि विकास की यही गति असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर बदलने वाली है। भाइयों और बहनों, संभवतः आज यहां पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तब भी यहां आए होंगे जब 16 वर्ष पहले अटल जी यहां पहुंचे थे। तब से आज तक एक पूरी पीढ़ी बदल चुकी है। आपने सच में बहुत लंबा इंतजार किया, सब्र किया है। साथियों, आपकी वर्षों की मांग के बाद इस पुल से जुड़ी प्रक्रियाएं 2 दशक पहले शुरू हुई, लेकिन सच्चाई यही है कि इसका निर्माण अटल जी के अथक प्रयासों से ही शुरू हो पाया। लेकिन यह दुर्भाग्य रहा कि साल 2004 में अटल जी की सरकार चली गई और उनके शुरू किए गए तमाम प्रोजेक्ट की तरह ही नॉर्थ ईस्ट की एक संपूर्ण महत्वपूर्ण परियोजना भी लटक गई, अटक गई। भाइयों और बहनों, आप सभी साक्षी हैं कि साल 2014 तक कैसे यहां पर सिवाय सिर्फ कुछ आधे अधूरे खंभों के कुछ नहीं दिखता। स्थिति ये थी कि जब 2014 में हमारी सरकार आई तो इस पुल का आधा काम आधे से भी ज्यादा अधूरा पड़ा था, बाकी पड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर अटल जी की सरकार को फिर अवसर मिलता तो 2007-08 तक
इस ब्रिज का लोकार्पण हो जाता, लेकिन उसके बाद जो सरकार केंद्र में आई उसने आपकी जरूरत पर ध्यान ही नहीं दिया। ...2014 में सरकार बनने के बाद हमने इस प्रोजेक्ट की राह में आ रही सारी बाधाओं को दूर किया और गति दी और करीब 6000 करोड़ रुपए की लागत से बना बोगीबील पुल जन सामान्य की सेवा के लिए आज समर्पित है। अटल जी के जन्म दिवस पर उनका ये सपना पूरा करके कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें आज उत्तम श्रद्धांजलि दी है। पूर्वोत्तर के अनेक लोगों को आज ये उपहार मिलता देख वे जहां भी होंगे, उनकी आत्मा जहां भी होगी वह बहुत खुश होंगे। ये आपके चेहरे पर जो खुशियां दिखाई रही है उसे देख करके अटल जी की आत्मा ज्यादा प्रफुल्लित होती होगी। साथियों, पहले की सरकार की पहचान अगर हटके हुए प्रोजेक्ट से तो हमारी सरकार की पहचान ट्रांसपोर्टेशन से ट्रांसफॉर्मेशन और देश को मिल रहा नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स को हमने खोज कर निकाला है जो कई वर्षों से रुके पड़े थे या जिन पर धीमी गति से काम हो रहा है। अगर उनमें काम की पुरानी रफ्तार होती तो अगला दशक भी बीत जाता। आज सुशासन दिवस पर मैं गर्व से कह सकता हूं कि लटकाने भटकाने वाली उस पुरानी कार्य संस्कृति को हमने पूरी तरह बदल दिया। इस वजह से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को नई गति मिली है। पिछले साल ऐसे ही लटके हुए मिजोरम के तुइरियल हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, तो इसी साल कुछ महीने पहले सिक्किम एयरपोर्ट का लोकार्पण भी किया जा चुका है। ऐसी अनेक योजनाएं पूरी हो चुकी है, बाकियों पर भी तेज गति से काम चल रहा है। साथियों, आज तय समय पर तय लागत में ही प्रोजेक्ट पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। अब समय सीमा सिर्फ कागज में लिखने की बात भर नहीं रह गई बल्कि सरकारी कामकाज का संस्कार बन रही है। मैं असम की सरकार सोनोवाल जी की पूरी टीम को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस संस्कार को आत्मसात किया है। असम में अनेक ऐसे प्रोजेक्ट्स जो वर्षों से अधूरे थे या तो पूरे हो चुके हैं या पूरे होने की स्थिति में है। 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करीब 700 किलोमीटर के नेशनल हाईवे 4.5 वर्ष में पूरे हो चुके हैं। करीब 6000 करोड़ के एक दर्जन से अधिक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है। नए एयरपोर्ट टर्मिनल हो, रेल लाइनों के विद्युतीकरण और चौड़ीकरण का काम हो, गुवाहाटी तिनसुकिया गैस पाइपलाइन हो, गुवाहाटी में एम्स हो, धेमाजी में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पर या तो काम पूरा हो चुका है या फिर जल्द पूरा होने वाला। तेज इंटरनेट सेवा सुनिश्चित करने वाली इंटरनेशनल सबमरीन केबल भी त्रिपुरा पहुंच चुकी है और बहुत ही जल्द ये आसाम पहुंचने वाली है। इससे असम में भी डिजिटल सेवाएं मजबूत होगी। साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि जब पूर्वी भारत बढ़ेगा तो पूरा भारत बढ़ेगा।
जब पूरी भारत मजबूत होगा तो पूरा भारत मजबूत होगा। पूर्वी भारत का अभिन्न अंग हमारा नॉर्थ ईस्ट है और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में लगभग 70,000 करोड़ रुपए के करीब 5,500 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने पर काम चल रहा है। इनमें से लगभग 2,500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे पूरे हो चुके हैं। 1,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कें इंटरनेशनल कनेक्टिविटी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है, जिसमें से लगभग 800 किलोमीटर सड़कों पर किसी न किसी स्तर पर काम जारी है। जहां तक रेल कनेक्टिविटी की बात है तो आने वाले 2-3 वर्षों तक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की हर राजधानी को ब्रॉडगेज लाइन जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। करीब 47,000 करोड़ रुपए की लागत से 15 नई रेल लाइन तैयार हो रही है। लगभग 1,000 किलोमीटर रेल लाइनों यानी नॉर्थ ईस्ट की लगभग सभी लाइनों को ब्रॉड गेज में बदला जा चुका है। पहले नॉर्थ ईस्ट में हर वर्ष करीब 100 किलोमीटर रेल लाइन बनती थी या चौड़ीकरण होता था, जबकि बीते 4.5 वर्षों में 350 किलोमीटर लाइन हर वर्ष बनती है या फिर ब्रॉडगेज में बदली जा रही है। इतना ही नहीं, 19 वाटरवे यानी नदी मार्गों पर काम चल रहा है। यहां असम में भी ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के माध्यम से चिटगांव और मंगलापोर्ट के तक इनलैंड वाटरवे बनाया जा रहा है। भाई और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी देश के सामान्य मानवीय का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है उनको असम की सरकार गति दे रही है। इसी का परिणाम है कि बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, जन जन की सुनवाई असम में सुनिश्चित हो रही है। उज्ज्वला योजना के तहत करीब 24 लाख मुफ्त गैस के कनेक्शन असम गरीब बहनों को दिया जा चुका है, जिसका परिणाम है कि असम में 4.5 वर्ष पहले तक जहां करीब 40% घरों में गैस सिलेंडर था, वहीं आज ये दायरा 2 गुना करीब 80% हो चुका है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत करीब 32 लाख शौचालय असम में बन चुके हैं, जिसमें 4.5 वर्ष में ही स्वच्छता का दायरा 38% से 98% हो चुका है। सौभाग्य योजना के तहत बीते 1 वर्ष में ही असम के 12 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया गया है, जिससे असम में बिजलीकरण का दायरा करीब 50% से बढ़कर करीब 90% हो चुका है। आप उस स्थिति को भी याद करिए जब यहां टी गार्डन में काम करने वाले बहन भाइयों के बैंक खाते ही नहीं थे, बैंक नाम का उनको अता पता नहीं था। जनधन योजना के तहत 7 लाख कामगार बहन भाइयों के बैंक अकाउंट खुलवाए गए। अगर मैं पूरे आसाम की बात करूं तो राज्य में करीब 1.5 करोड़ जनधन खाते हमारी सरकार ने ही खुलवाए हैं। ये तमाम योजनाएं हमारी सरकार के संस्कार और आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से सफलता की तरफ आगे बढ़ रही है। साथियों, गरीब का, शोषित का, वंचित का अगर सबसे ज्यादा कोई नुकसान करता है तो वो भ्रष्टाचार है। मध्यम वर्गीय परिवारों पर सबसे ज्यादा बोझ अगर कोई डालता है वो भ्रष्टाचार है। देश की विकास की यात्रा की कमर को तोड़ देता है तो वो भ्रष्टाचार है।
भ्रष्टाचार गरीब से उसका अधिकार छीनता है, उसका जीवन मुश्किल बनाता है। इसलिए पिछले चार साढ़े चार साल से हमारी सरकार जहां एक तरफ गरीब को अधिकार दिला रही है, वहीं काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रही है। भाइयों और बहनों, एक तरफ हमारी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,25,00,000 से ज्यादा गरीबों को घर दे चुकी है, वहीं बेनामी संपत्ति कानून के तहत भ्रष्टाचारियों के 5,000 करोड़ रुपए के बंगले और गाड़ियों को जब्त किया जा चुका है। एक तरफ हमारी सरकार नौजवानों को सिर्फ एक दिन में नई कंपनी के रजिस्टर की सुविधा दे रही है, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी जड़ मानी जाने वाली 3,25,00,000 से ज्यादा संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का भी हमने काम किया है। एक तरफ हमारी सरकार ने महिलाओं को, नौजवानों को स्वरोजगार के लिए मुद्रा योजना के तहत बिना बैंक गारंटी 7,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पहले की सरकारों ने बैंकों के जो लाखों करोड़ों रुपए फंसाए थे, उसमें से 3,00,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार वापस ला चुकी है। एक तरफ हमारी सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को 5,00,000 रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मेडिकल सेक्टर में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भी सख्त कदम उठा रही है। साथियों, 4 साल पहले कोई नहीं सोच सकता था कि हेलीकॉप्टर घोटाले का सबसे बड़ा राजदार भारत की जेलों तक पहुंच जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन इस राजदार को भारत लाने का काम और कानून के हवाले करने का काम भी हमारी सरकार ने हिम्मत के साथ किया है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है, हमारी कार्य संस्कृति है। भाइयों और बहनों, जब व्यवस्था में पारदर्शिता आती है, भ्रष्टाचार खत्म होता है, सुविधाएं मिलती है, जिंदगी आसान बनती है, तो उसका प्रभाव हर क्षेत्र में दिखता है। हमारे खेलों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आज असम समेत देश के दूरदराज के गांव, कस्बों, छोटे शहरों से, सामान्य परिवारों से निकले युवा देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हिमा दास जैसी हमारी अनेक बेटियां, अनेक युवा साथी नए भारत के नए आत्मविश्वास का आज प्रतीक बनी है। साथियों, हम सभी व्यवस्था परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से देश को सशक्त करने का काम कर रहे हैं। आज देश में भविष्य की जरूरतों के मुताबिक सड़कों, पुलों, शहरों, गांवों, सिंचाई और बिजली परियोजनाओं पर तेज गति से काम चल रहा है। आने वाले वर्षों में जब ये तमाम व्यवस्थाएं खड़ी हो जाएगी, तो न्यू इंडिया की भव्य तस्वीर दुनिया के सामने होगी। साथियों, अटल जी ने अगर 21वीं सदी की शुरुआत में देश की नींव को मजबूत किया, तो हम उसी नींव पर एक दिव्य भव्य नए भारत निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, असम के लोगों ने, देश के लोगों ने हमें जो सेवा का सौभाग्य दिया है, उसे हमारी सरकार पूरी निष्ठा से पूरा करने का प्रयास कर रही है। हम रिश्ते नातों के लिए नहीं, देश और समाज के लिए खप रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से
हम सभी मिलकर आई अखों में और भारत माता को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। एक बार फिर आप सभी को बोगीबील पुल की जैसी अद्भुत सुविधा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप यहां इतनी बड़ी तादाद में पधारे, आशीर्वाद दिए, इसके लिए मैं सर झुका करके आप सबको नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।